तो हेलो दोस्तों, वीडियो में आगे बने रहिए। मैंने अजीत सर को भी फ़ोन किया था और रॉकी के पिंटू भाई को फ़ोन किया और फ्लिप गामित को भी फ़ोन किया था। दोस्तों आगे स्क्रीनशॉट मैंने रखे हैं, पूरा सबूत के साथ वीडियो है, पूरा मेरे पास प्रूफ है कैसे कैसे फ़ोन किया था और कैसे बात हुआ था। दोस्तों बेंट रखा था 3 दिन पुलिस स्टेशन में। दोस्तों 28 तारीख को नाइट में वर्क हो रहा था तो वहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई थी, वहीं से बेंट पुलिस स्टेशन ले गए नाइट में। फिर 29 तारीख को बेंट दिन में भी वहीं थी और नाइट में भी वहीं पे थी। फिर शाम को 30 तारीख को शाम को 5 बजे बेंट कैसे छुराई गई सब आपको मैं सबूत के साथ दिखाता हूँ, मैंने कैसे कैसे कॉल किया था और सब आगे डिटेल में आपको बताता हूँ। दोस्तों मैं 9 बजे गडेश्वर पुलिस स्टेशन में पहुँचा था और बेंट वहीं पे देखा। फिर मेरे को विचार आया कि अजीत सर को बताना पड़ेगा और रॉकी पिंटू को भी बताना पड़ेगा, फिर फ्लिप भाई को भी बताना पड़ेगा। इसीलिए आगे देख लो, ये रियल फ़ोटो है, कोई फेक फ़ोटो नहीं है। दोस्तों आगे मैंने वीडियो भी रखा है और कैसे कैसे मैंने बात की अजीत सर से, फ्लिप गामिट से, वो पूरा आगे मैं प्रूफ के साथ वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों ये कोई फेक वीडियो नहीं है, आज का लाइव वीडियो फ़ोटो है। दोस्तों आगे आपको वीडियो भी मिल जाएगा, वो मैंने कैसे बात की अजीत सर से, पिंटू भाई से, वो सब आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों मैंने 1:07 पे कॉल किया था, देख सकते हो स्क्रीन पर, पंकित भाई को, और नंबर मैंने मंगवाया था फ्लिप भाई का नंबर मंगवाया था। फिर 1:10 में फ़ोन किया था मैंने शिव भाई से, पियानो मास्टर रॉकी के, उसी से मैंने पिंटू भाई का नंबर मंगवाया था। तो दोस्तों आगे कैसे बात की वो सब मैं पूरा प्रूफ डिटेल में बताना चाहता हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैंने पिंटू भाई को फ़ोन किया था 1:16 पे। दोस्तों हमारे पिंटू भाई के साथ बात हुई कि गड्डेश्वर में 2 दिन से पुलिस स्टेशन में बैठे है, तो पिंटू भाई ने बोला था कि हमको कुछ मैसेज नहीं आया, कि फ़ोन नहीं आया था। दोस्तों तो पिंटू भाई ने भी कहा था कि ऐसा बोला कि कुछ करते हैं और फ़ोन लगाते, हमारे रांचीपला में ऑफिस है वहीं पे और अजीत सर से भी बात करना है। फिर मैंने 1:49 पे फ़ोन किया था फिलिप भाई से, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, फिलिप भाई से भी हमारा बात हुआ था। फिर फिलिप भाई ने बोला था ऐसा वैसा हमको कि फ़ोन नहीं आया, कुछ मैसेज भी नहीं मिला, अच्छा हुआ आपने फ़ोन किया था। पिंटू भाई ने भी यही बोला था कि अच्छा हुआ संजू भाई आपने मुझे फ़ोन किया, थैंक यू संजू भाई दिल से, ऐसे फ्लिप गामित और पिंटू भाई ने भी बोला था। फिर हमारी आगे बात हुई थी अजीत सर से, तो दोस्तों अजीत सर को मैंने फ़ोन किया था 2:16 पे, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। दोस्तों हमारी अजीत सर से बात हुई थी कि मैंने कहा था गडेश्वर में बैंड 2 दिन से है, केके म्यूजिकल बैंड। अजीत सर ने बोला कि कुछ हमको मैसेज नहीं आया, कि कॉल नहीं आया था, थैंक यू संजय भाई कॉल करने के लिए, दिल से थैंक यू, ऐसे बोले थे। फिर हमारी काफ़ी 15-20 मिनट तक बात चली दोस्तों। फिर अजीत भाई ने हम कुछ करते हैं ऐसा कुछ बोला, फिर अजीत सर ने फ़ोन लगाया होगा रांचीपला ऑफिस में, पिंटू भाई का और अजीत सर का कुछ बैंड पार्टी का उधर ऑफिस है वहीं पे कॉल किया होगा। दोस्तों मैंने आज बहुत बड़ा हेल्प किया है केके म्यूजिकल बैंड का। तो दोस्तों फिर पिंटू भाई का भी कॉल आया था 3:41 पे, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, संजू भैया बेंट अभी 5 बजे तक
छूट जाएगा, हमने सब कुछ कर दिया है। फिर कॉल आया था अजीत सर का 8:45 पे, हमने बात की दोस्तों, अजीत सर से भी हमारी बात हुई। फिर अजीत सर ने ये बोला कि हमारा फ्लिप गामित और संजू तुम्हारा और अजीत सर हमारा तीनों का वीडियो अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी साइड आने वाले हैं, तो हमारा जल्द ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का वीडियो आपको आने वाला है दोस्तों, घूमने आने वाले हैं अजीत सर। तो आप, मैं सबको अजीत सर से मिलवाऊंगा, जितने भी दोस्त हो उसको। और अजीत सर ने ऐसा भी कहा है, जितने भी सभी बैंड पार्टी के ऑनर है वो सब प्रोग्राम लेते समय पुलिस स्टेशन का परमिशन लेने के बाद ही आप जाओ, आपको कुछ बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी केवड़िया साइड गड्डेश्वर तालुका में प्रोग्राम हो आप बैंड पार्टी का, तो सामने से कॉल करके आप पुलिस स्टेशन का वो मंगवा लीजिए, तो ताकि आपको दिक्कत ना आ जाए दोस्तों। परमिशन हो तो आप उतनी टाइम पे बैंड बजा सकते हो दोस्तों, और सभी बैंड पार्टी ये वीडियो देखे दोस्तों। हमारा एक फ्रेंड है गोपाल वसावा, पीड बजाते हैं वो दोस्तों, उसको हमने 9 फ़ोन किया था तो प्रोग्राम में वो पहुंच चुके थे 9:00, और 28 तारीख को हमने उसका हेल्प भी किया था कि उसका जो जनरेटर पिकअप है उसमें ब्रेक ऑयल कम था, तो हमने रातों रात गड्डेश्वर जाके पूरे बाज़ार में ढूंढा, फिर पेट्रोल पंप पे गए, वहीं नाड़िया पेट्रोल पंप पे हमको ब्रेक ऑयल मिल गया दोस्तों। मैंने आपको भी कुछ भी हेल्प हो, बारिश आ जाए तो कुछ प्लास्टिक पेपर वो बड़ा सा आता है बैंड ढकने का, उसकी ज़रूरत हो दोस्तों, आप कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैं केवड़िया साइड ही रहता हूँ तो मेरे को कॉल कर लेना। मैंने पिंटू भाई का नंबर रखा है, फ्लिप भाई का रखा है, अजीत सर का रखा है और मेरा नंबर भी रखा है, उसी से कांटेक्ट कर लोगे आप तो मैं आप केवड़िया साइड गड्डेश्वर तालुका में आपका हेल्प करने ज़रूर आऊँगा दोस्तों। कुछ भी प्रॉब्लम हो आज मेरे को कॉल करोगे तो मैं रात को भी आऊँगा, आपकी हेल्प करूँगा दोस्तों। ये वीडियो है उसी पुलिस स्टेशन का जो मैंने 9:00 फ़ोटो खींचा था गड्डेश्वर दोस्तों।